जिस प्रकार से दिल्ली में पूरी अव्यवस्था छाई हुई है, आप किसी भी इलाके में चले जाओ इस प्रकार का जल भराव आपको दिखेगा। अब 12 बज रहे हैं, दोपहर के 12 बज रहे हैं, फिर भी ये स्थिति है और यही आम आदमी पार्टी की असली व्यवस्था है। विज्ञापन पर पूरा जोर है, व्यवस्था कमजोर है। आपने देखा होगा मिंटो ब्रिज हो, दिल्ली के अलग अलग इलाके हो, आर्टीरियल रोड हो, गाड़ियां डूब गई और अभी भी जल भराव किस प्रकार से हो रहा है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जो भी दावे किए थे वो खोखले निकले। जो 22 मेजर नाले हैं, जो जिसका पानी यमुना जी में जाता है, उसमें केवल 50% की डिसिल्टिंग हुई है। उसके अलावा MCD जो आज आम आदमी पार्टी के पास है, 713 नालों में से लगभग 250 नालों में ही क्लीनिंग हुई है, ओनली 250। PWD विभाग जिसके पास सबसे अधिक इलाका है डिसिल्टिंग करने का, उसमें भी दावे बड़े बड़े हैं पर असलियत ये है, वो पेपर पे कहते हैं 85% डिसिल्टिंग हो गई पर कितनी हुई है ये आपके सामने है। अरे आतिशी जी के घर के बाहर ही जल भराव हो गया। और मिंटो ब्रिज का तो याद होगा, मिंटो ब्रिज में क्या क्या बड़े दावे किए थे आम आदमी पार्टी ने कि हमने CCTV लगा दिया है, हमने वहां पर वाटर पंप लगा दिए हैं। कहां गए वो सारे वाटर पंप? हजारों वाटर पंप अब कहीं नहीं है। जल विभाग इनका, PWD इनका, MCD इनकी, सरकार इनकी, 10 साल से सरकार और दिल्ली वासियों को ये भुगतना पड़ रहा है। और ये तो कुछ नहीं है, इससे ज्यादा भयावह स्थिति हमने दिल्ली के अलग अलग इलाकों में देखी है। आम आदमी पार्टी अब किसको दोष देगी, किसके खिलाफ धरना करेगी? हो सकता है वो राष्ट्रपति के खिलाफ धरना करे, हो सकता है वो यूनाइटेड नेशंस के खिलाफ धरना करे, परंतु ये असलियत है उनके व्यवस्था की। विज्ञापन पर पूरा जोर, व्यवस्था कमजोर। जय हिंद साथियों, आज उत्तर प्रदेश के अंदर आप देखिए क्या हालात है। नोएडा उत्तर प्रदेश की हाईटेक सिटी है, जो कि योगी बाबा की सरकार जहां पे है, जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हल्की सी बारिश होते ही सभी जितने भी अंडरपास हैं सभी पे खचाखच पानी भर गया, जिसके कारण लोगों को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आपके सामने देखिए गाड़ी कैसे तैर रही है। ये नोएडा के अंदर 94 सेक्टर में हम लोग खड़े हुए हैं। ये लोग हवा हवाई राजनीति करते हैं। पूरे देश की, पूरे प्रदेश की आज हालत इतनी गंभीर है कि हम कुछ कह नहीं सकते। यहां का प्राधिकरण सोया हुआ है, यहीं से चंद दूरी पे यमुना है, यमुना होते हुए भी ये लोग पानी का निकास नहीं कर सकते। तो ये लोग कोई काम नहीं कर रहे, सिर्फ जनता का मूर्ख बना रहे हैं।